Hello friends and welcome to this video. Today we are gonna learn how to draw different type of faces or shapes with some very easy steps. हमारे last video में हमने different cartoon facial expressions को draw करना सीखा था. इस video का link आप नीचे description box में भी check कर सकते हैं. So first of all, let us take a look at different shapes of faces. Our first shape is oval face. Then square face, round face, oblong or rectangular face, diamond face and heart face. So without wasting the time anymore, let us start with the tutorial. So out of the six faces, हमारा first face है oval face. Oval face में हमें सबसे पहले एक round oval shape बनानी है यहाँ पर ऐसे. ये ओवल शेप बनाई हमने. इस ओवल शेप को फेस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए पहले फीमेल के हेयर इस तरह से, इसके बाद ईयर्स, ये इसके कान ईयर्स, और इसके बाद में ओवल को हम फेस में ट्रांसफॉर्म कर देंगे, चेंज कर देंगे ऐसे. ये हमारा बन गया इसका फेस. ये बनती है नेक इस तरह से. और रही बात हमारे हेयर की, तो ये हमारे इस हेयर इसके और ये राइट साइड के. तो ये फर्स्ट फेस हमारा ओवल फेस. ओवल फेस सेकंड आता है इसके बाद हमारा स्क्वायर फेस. स्क्वायर फेस में अच्छा, उससे पहले हम एक काम करते हैं, मेल पे जाते हैं. फीमेल का हमने बनाया ये ओवल फेस, अब बनाते हैं मेल का फेस ओवल शेप से. इसमें पहले वही ओवल पहले की तरह, ये हमने एक ओवल ड्रॉ किया. इस ओवल को ट्रांसफॉर्म करना है हमें मेल के फेस पे, तो इसको यहाँ से एक ये हेयर स्टाइल के लिए, यहाँ से ये नीचे, इसके साथ में ये ईयर, इसी तरीके से यहाँ से नीचे और ये ईयर. अब इसको हेयर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से उठाइए और सीधा ये यहाँ मिला दीजिए, और इधर से ऐसे लेके एक बड़ा सा और ये मिला दिया हमने, तो ये कन्वर्ट हो गया हमारे हेयर में. इसको हम किसी भी तरीके से ऑल राउंड कर सकते थे डिफरेंट स्टाइल्स बनाने के लिए हेयर के. इसको अब हम मिला देंगे लाइन को कन्वर्ट करने के लिए ओवल फेस में. ये बन गया हमारा ओवल फेस. ओवल फेस में इसके ये नेक इस तरीके से, चाहे तो इसको हम यहाँ पे इस तरीके से इसको ड्रेसिंग भी कर सकते हैं. ड्रेसिंग कर नेक्स्ट फेस है हमारा स्क्वायर फेस. स्क्वायर फेस में हमें फेस को स्क्वायर शेप में लेना है. एक स्क्वायर शेप बनाएंगे और फिर उसके बाद में उसे कन्वर्ट कर देंगे हम फेस में. तो उसके लिए पहले मैं सेंटर में एक स्क्वायर बनाता हूँ. मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ क्योंकि इसको ही हमें कन्वर्ट कर देना है बाद में ओरिजिनल फेस में. ये डॉटेड लाइन बाद में इरेज कर दी जाएंगी. यहाँ से हमने फीमेल का फेस के हेयर यहाँ से स्टार्ट किए ऐसे, यहाँ से जैसे कर्टन होता है बिल्कुल कर्टन वाली फॉर्म में. इसके बाद यहाँ से ये इसके ईयर्स, और क्योंकि फेस हमें फ्लैट लेना है, चौड़ा ही लेना है, तो आप यहीं से नीचे लेके चलेंगे और यहाँ से थोड़ा सा नीचे से इसको शेप इसकी चेंज करना शुरू करेंगे. के बाद में इस तरीके से शेप ले सकते हैं दोनों तरफ से. ये बन गई. और फिर हेयर के लिए अगेन वही प्रोसीजर, यहाँ पे ये इसकी नेक और ये इस साइड से हेयर है, ये आ गया हमारा स्क्वायर शेप. मेल साइड में चलते हैं. मेल साइड में फिर से हम एक स्क्वायर बनाएंगे उसी तरीके से.
ये हमारा स्क्वायर है और अब इस स्क्वायर को हम कन्वर्ट करेंगे फेस में। कन्वर्ट करने के लिए अगेन इसको फिर नीचे करके यहाँ तक हम लेके जाते हैं और इसको नीचे इस तरीके से और यहाँ पे इस तरीके से दोनों साइड से, एक साइड कट इन साइड से पूरा और इधर से साइड से हल्का हल्का नीचे हैंग हुआ हुआ कर्टेन, उसी तरीके से ये इसके ईयर्स, दोनों ईयर्स बनाए हमने। और बिल्कुल फ्लैट फेस है तो नीचे लाएंगे और यहाँ लाके काफ़ी नीचे लाके हम हल्का सा इसको टर्न करना स्टार्ट करेंगे और नीचे लाके फिर जैसे हमने उसमें किया था इस तरीके से फेस को मिला देंगे। दोनों में फ़र्क है, इसमें हम गोल लेके आए थे, ओवल के हिसाब से हमने बनाया था और इसमें हम वाइड फेस को रख रहे हैं। ये ज़्यादा चौड़े के हिसाब से होगा, ऊपर इसके हिसाब से जो हमारा हेयर होंगे वो थोड़ा इस तरीके से, चेहरा हमारा ये थोड़ा सा ओवल शेप में लंबा था, यहाँ पे फ्लैट हो गया। तो ये बना दिया हमने स्क्वायर में। नेक्स्ट फेस आता है हमारा राउंड फेस। राउंड फेस में हमें बिल्कुल एक सर्कल बनाना है सेंटर में इस तरीके से, हमने एक सर्कल बनाया, इस सर्कल को फेस की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है। अगेन एक कर्टेन की तरह, ये क्योंकि हमारा मॉडल इस बार इसी टाइप का है फेस का, तो ये बनाया। इसके बाद में ईयर और इसके साथ साथ में हम देखते हैं कि हमारा फेस क्योंकि राउंड है तो इसको काफ़ी राउंड फॉर्म में ही लेके आएंगे हम। ऐसे हल्का सा इसको चेंज कर देते हैं, चेहरे को राउंड बना लेते हैं। ये इसकी मॉडल की नेक और साथ में ऊपर से सेम हेयर स्टाइल, ये देखिए डिफरेंट टाइप के फेस पे डिफरेंट टाइप के हेयर सूट करते हैं, तभी इसमें उतना अच्छा हेयर नहीं लग रहे हैं जितने लॉन्ग फेस में ओवल फेस में लग रहे हैं। अब यही चीज़ हम कन्वर्ट करते हैं, लेके जाते हैं नेक्स्ट मेल को, मेल सेक्शन में। ये हमारा राउंड था, मेल सेक्शन में जब हम बनाएंगे राउंड फेस तो राउंड फेस बनाते वक्त सेम वही तरीका है। पहले हम एक सर्कल बनाएंगे बिल्कुल राउंड, देखिए। अब इसको कन्वर्ट करना है हमें मेल में, तो मेल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से यहाँ तक हमने एक कर्व खींचा, उसको इधर से ये मिलाया है इसको और एक ये इधर मिला दिया। यहाँ पे हमारे ईयर अगेन उसी तरीके से, यहाँ से हम अपने हेयर स्टार्ट करते हैं। ये हमारे हेयर हैं और फेस क्योंकि ग्राउंड है तो थोड़ा गोली फेस बनेगा, थोड़ा सा फिर भी इसको हम बढ़ा लेते हैं। ये हमने बना दिया ताकि बुरा ना लगे, मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ। ये आ गया और यहाँ से हमारा फेस का ये हमारा हो गया राउंड फेस। राउंड फेस के बाद आता है नेक्स्ट हमारा ऑबलोंग या फिर रेक्टेंगुलर फेस। ऑबलोंग मीन्स काफ़ी ओवल तो है लेकिन काफ़ी लंबा, या फिर उसे रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस साइड में बनाते हैं हम ऑबलोंग फेस और इस साइड बनाएंगे हम रेक्टेंगल से, नॉट स्क्वायर, रेक्टेंगल। ऑबलोंग फेस में हमें एक लंबा सा ओवल बनाना है नीचे की तरफ को, ये लॉन्ग फेस के लिए यूज करते हैं हम इस तरीके से। थोड़ा सा ये बना दिया, अब इसमें वही हेयर स्टाइल, ये हमने लिया ये ईयर, यहाँ से ये लिया और ये ईयर आ गया। फेस बनाने के लिए लॉन्ग फेस रखना है, बिल्कुल इस तरह से लेके जाएंगे फेस को लॉन्ग और ये जाके मिल गया। हम चाहे तो हेयर स्टाइल बीच बीच में चेंज भी कर सकते हैं, मैं सिर्फ एक सैंपल दिखाता हूँ किस तरीके से हम चेंज करते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे दिखाई दे। ये देखिए गर्ल्स के, ये आगे चल के मैं हेयर स्टाइल्स के ऊपर ये पूरा आई थिंक नेक्स्ट वीडियो ही होगा
कंप्लीट हेयर स्टाइल्स के ऊपर, डिफरेंट हेयर स्टाइल्स ऑफ वुमेन, उसके ऊपर पूरा एक, फिर उसके बाद मेंस का भी हेयर स्टाइल के ऊपर ही पूरा एक वीडियो पोस्ट करूंगा, उसे आप जरूर देखिएगा। उससे काफ़ी इजी हो जाएगा आपको डिफरेंट टाइप के हेयर स्टाइल्स बनाना। ये देखिए, ये आ गया, ये नेक एंड दिस आर शोल्डर्स, ये हेयर स्टाइल एक साइड से कम हो गया थोड़ा सा, सही कर देते हैं। ये हेयर स्टाइल, इसको बाद में आप इसको जो है इरेज कर लेंगे। नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारा मेन सेक्शन में, ये हमारा था ओब्लोंग, और यहां पर आता है हमारा फिर ओब्लोंग या रेक्टेंगुलर मेल के लिए। इसके लिए भी वही चेहरा हमें उसी तरीके से रखना है, गोल। अच्छा, इस बार हम रोंग की जगह हम राउंड ओब्लोंग में ओवल की जगह हम रखेंगे इस बार रेक्टेंगुलर शेप का। ये रेक्टेंगुलर फेस हमने रखा है, लंबा रखना है, स्क्वायर नहीं बल्कि रेक्टेंगुलर रखना है। उसके अकॉर्डिंग अब हेयर को सेट करना है, तो एक साइड से मैं नीचे लेके ये ले लिया मैंने, यहाँ से ये और इधर से उसी तरीके से ये, ये इसके ईयर्स दोनों, ठीक है। और फेस हमें रेक्टेंगुलर लेना है, तो यहाँ से तो लंबा खींच के रेक्टेंगल की तरह और फिर ऐसे लेके चलना है। ये हो गया वही हेयर स्टाइल अगेन, ये यहाँ से ये आ गया, ये इसकी नेक, ठीक है। ये हमारा हुआ ओब्लोंग। अभी तक हम बना चुके हैं ओवल फीमेल, मेल के लिए स्क्वायर फीमेल, मेल के लिए नेक्स्ट राउंड फीमेल, और मेल के लिए ओब्लोंग या रेक्टेंगुलर फीमेल और मेल के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा फिर डायमंड। डायमंड फेस बिल्कुल डिफरेंट है, डायमंड शेप आएगी। जो हम प्लेइंग कार्ड्स खेलते हैं उसमें जो डायमंड होता है उसकी शेप कुछ इस टाइप की होती है, बिल्कुल डायमंड वाली शेप में रखेंगे हम फेस को, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं एक डायमंड की शेप बना रहा हूँ स्केल का यूज़ करके। इसमें स्केल का यूज़ करना पड़ेगा उसके लिए, डायमंड की शेप के लिए। ये देखिए, ये डायमंड बनाया हमने, इस डायमंड को कन्वर्ट करना है फेस में। तो इस पर हम क्या करेंगे, सपोज ये सेंटर है तो ये, ये यहाँ पर ला के ये डायमंड पे टिका दिए ईयर यहाँ का, और यहाँ से लाके ये डायमंड के ऊपर टिकाया। फेस केस में क्योंकि लंबा है डायमंड की तरह ही आएगा, यहाँ से गोल घूम के और इस जगह पे आके ये, और यहाँ से चिन इस केस में बहुत पतली सी रहती है, काफ़ी पतली सी चिन निकली हुई, जस्ट लाइक पपाया वाली शेप आती है इसमें, जैसे पपाया एक शेप होती है इस टाइप से। और हेयर स्टाइल वही है, इससे पहले मैं नेक बना देता हूँ, और ये हेयर स्टाइल में वही उसी तरीके से ये आ गया और इधर से ये आ गया। ये है हमारी डायमंड शेप का फेस। डायमंड शेप के बाद में नेक्स्ट शेप आती है, इसमें मेल सेक्शन में चले आकर तो डायमंड शेप में, तो बिल्कुल वैसे ही इस बार मैं बिना स्केल के ट्राई करता हूँ। ये देखिए, ये 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 फेस हमने बनाया, डायमंड शेप की हमने शेप बनाई। इसको कन्वर्ट करना है हमें फेस में, ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम एक साइड से इसके अंदर जाएंगे और एक साइड से बाहर निकल जाएंगे। ओवल बनाया हमने इसमें, ठीक, और यहाँ से हमने इसको नीचे लेके आए और ऐसे ही इधर से नीचे लेके आए, और फिर ला कर दोबारा से हमारे ईयर इन पे ईयर्स यहाँ पे टिका दिया हमने, बिल्कुल इसके एजेस पर डायमंड के जो वर्टिसेस हैं इन पे लाके मिला दिए। ऊपर से हेयर अगर करने हैं उसके बाद में पहले नीचे का फेस बना लेते हैं, बिल्कुल इस तरीके से जैसे हमने ये बनाया था फीमेल का, इसी तरीके से मेल का फेस आएगा, क्योंकि इसमें मैंने ज़्यादा लंबा नहीं रखा है उसको डायमंड को,
तो फिर भी अपनी तरफ से हम इसी तरीके से देंगे जैसे हमने उसका फेस बनाया, और थोड़ा पपाया शेप में ये आ गया इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसका हेयर। ये हेयर हमने यहाँ लिया, ये करके ये मिला दिया, ये बन गया हमारा डायमंड शेप। इसको थोड़ा सा इधर करता हूँ, थोड़ा अजीब लग रहा है ये। ठीक है, ये है हमारा डायमंड शेप। डायमंड शेप हमारे इसके बाद में नेक्स्ट आती है। डायमंड शेप के बाद में हार्ट शेप। हार्ट में हमको बिल्कुल हार्ट वाली शेप बनानी है पहले, और उसी को ट्रांसफॉर्म करना है फेस में। हार्ट की शेप कैसे होती है हमारी, इस तरीके से, जैसा हमारा हार्ट होता है बिल्कुल वही शेप। ये हार्ट की शेप बनाई हमने, अब इसको कन्वर्ट करना है हमें फेस में। तो फेस के लिए हार्ट के इधर ऊपर से सेंटर से हम यहाँ तक लेके जाएंगे, हमारे हिसाब से कान यहाँ पे आने चाहिए, ईयर्स। तो ये ले गए हम यहाँ तक, और ऐसे ही इस जगह से यहाँ पर फर्स्ट ईयर हमारा ये रहा, और सेकंड ईयर हमारा ये रहा। फेस बनना है बिल्कुल यही शेप जो हमने हार्ट को शेप दी है, यही शेप ये हमने कंप्लीट कर दिया। नीचे इसकी फीमेल की नेक, और ऊपर फिर वही हेयर स्टाइल हमारा वही चला रहा है, पूरे पैटर्न हमें ये रखना है। ये हमारा इस पर हेयर स्टाइल, ये आया हमारा हार्ट। ये हार्ट शेप है फेस की। और नेक्स्ट शेप आती है हमारी मेल सेक्शन में हार्ट की। तो इसके लिए वही तरीका है बिल्कुल, पहले हम हार्ट बनाएंगे, ये हमारा हार्ट बन गया। अब इस हार्ट को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से एक साइड से लेके दूसरे साइड तक ये मिला दिया, जहाँ पे हार्ट का सबसे ऊपर का पोर्शन है, इसको ऊपर मिलाया, यहाँ से इसको नीचे किया, और इधर से इसे नीचे किया। यहाँ पे हमारे आगे ईयर, फेस को उसी तरीके से बिल्कुल हार्ट के ऊपर ऊपर जो हमने शेप बनाई थी इसके ऊपर ही हम ले जाएंगे, ये मिला दिया हमने। और फाइनली और ये इधर से एक और इसकी ये नेक हमारे कैरेक्टर की, इसको चाहे तो हम टी शर्ट पहनाएं, किसी को भी कुछ भी अगर हम चाहें तो इनको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। सभी कैरेक्टर्स को इस तरीके से हम कुछ भी पहना सकते हैं ताकि ये अजीब सा ना लगे। ये सबको हमने कुछ ना कुछ ड्रेसेस दे दिए, और ये फाइनली हमारी शेप है हार्ट शेप। तो हमने अभी तक जितनी भी चीजें की उनमें सबसे पहला था हमारा ओवल फेस, फीमेल मेल, स्क्वायर फेस फीमेल मेल, नेक्स्ट राउंड फेस फीमेल मेल, ऑबलोंग या फिर रेक्टेंगुलर फेस फीमेल एंड मेल, डायमंड शेप फीमेल एंड मेल, एंड हार्ट फीमेल एंड मेल। ये सब के सब हमने कंप्लीट की। तो दोस्तों, इस बार हमने जो कंप्लीट किया है टाइप्स ऑफ फेसेस पे हमने वर्क किया है, टाइप्स ऑफ फेसेस। नेक्स्ट टाइम जो है हम लोग हेयर स्टाइल्स पे चलेंगे। इससे पहले सेक्शन में हमने बात की थी कार्टून फेसेस की, उसमें हमने सन को अपना मॉडल बनाया था, और उसके हिसाब से सारे फेस के डिफरेंट एक्सप्रेशंस जो थे, फेशियल एक्सप्रेशंस, उन पे वर्क किया था। अब हमने इस बार हमने फेस की शेप्स देखी हैं, जो हमारा रियल फेस की शेप होती है उस टाइप से इसको हमने देखा है। तो अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करें, और अलर्ट बटन को प्रेस भी करें।